बिना किसी इनकम प्रूफ के अगर आप प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर हम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे जो बिना किसी इनकम टैक्स रिटर्न, बिना किसी GST या बिना किसी करंट अकाउंट के अगर आपको प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन लेना है तो कैसे मिलेगा। इस बारे में हम ये भी बताएंगे कि आप क्या टिप्स फॉलो करें जिससे आपका ये लोन हो जाए, और कहाँ आवेदन करना है जिससे आपका विदाउट इनकम प्रूफ लोन 100% हो जाए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि विदाउट इनकम प्रूफ लोन के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए या क्या आप टिप्स फॉलो करें। अगर आपके पास ITR नहीं है, GST नहीं है, कोई करंट अकाउंट नहीं है, तो बैंक या NBFC कंपनी जो है वो आपके इनकम प्रूफ काउंट कहाँ से करती हैं। उनके पास 2-3 ऑप्शन होते हैं जैसे आपकी इनकम को एलिजिबिलिटी के रूप में मान लेती है आपके लोन के लिए। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, आपका सेविंग अकाउंट। आपके सेविंग अकाउंट के अंदर जो ट्रांजेक्शन होती हैं उसको इनकम के रूप में कैलकुलेट करती हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर डेट के ऊपर, जो मैं डेट आपको आगे मेंशन करने वाला हूँ, उस डेट के ऊपर अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उन डेटों के ऊपर रखे हुए बैलेंस को जो है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वाली कंपनियाँ या बैंक आपके इनकम के रूप में मान लेती हैं और आपको अधिक से अधिक लोन प्रोवाइड करती हैं। वो डेट कौन सी हो सकती हैं वो भी मैं आपको मेंशन करता हूँ। और इसमें एक चीज़ और आपको शेयर करना चाहूँगा कि जो भी आप बिज़नेस करते हैं उसकी जो भी आपने कोई ट्रांजेक्शन है, यानी कि कोई आप सामान खरीदते हैं या सेल करते हैं, ये बाइंग है या सेलिंग है, वो दोनों को दोनों चेक के थ्रू करें, अपने अकाउंट के थ्रू करें, ताकि ये वाली जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाती है और वहाँ से वो कंपनियाँ जो हैं इसको कैलकुलेट करती हैं। 5, 15, 25 और 30 तारीख अगर आप इन डेटों के ऊपर हायर अमाउंट के बैलेंस को रखते हैं तो बैंक इन डेटों के ऊपर रखे हुए बैलेंस को आपके इनकम एलिजिबिलिटी के रूप में काउंट करती है। तभी विदाउट ITR, विदाउट GST, बिना किसी करंट अकाउंट के सेविंग अकाउंट की ट्रांजेक्शन के बिहाफ पर आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी प्रोवाइड करती हैं। दूसरा, अगर आप इन डेटों के ऊपर बैलेंस को मेंटेन रखते हैं तो आपका लोन होगा ही होगा विदाउट इनकम प्रूफ। दूसरा, आपके पास कोई रेंट आता है, कोई रेंटल आपके इनकम है जिसको आप शो नहीं कर सकते, मतलब प्रूफ नहीं है, वो कच्चे में आता है, कैश मिलता है, तो वो भी आपके इनकम प्रूफ, इनकम के रूप में बैंक वाले या NBFC कंपनी वाले काउंट करते हैं, तो ये वाली चीज़ भी आप लोगों ने उनको बतानी है। और तीसरा, कोई आप अपने लोन के अंदर कोई को एप्लीकेंट को जोड़ें जिसकी जो भी इनकम होगी, अगर उनके पास ITR है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उनकी जो भी इनकम होगी, अकाउंट ट्रांजेक्शन होगी, उसको वो इनकम प्रूफ में कैलकुलेट करेंगे और आपका जो लोन की एलिजिबिलिटी है वो आपको अधिक से अधिक लोन मिलने की संभावना रहेगी, क्योंकि इनकम एलिजिबिलिटी क्लब होने से ऐड हो जाएगी। अब बात करते हैं कि आपने आवेदन कहाँ करना है। दोस्तों बैंक में कभी भी आपने आवेदन नहीं करना लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी विदाउट इनकम प्रूफ। अगर बिना किसी इनकम प्रूफ के अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, तो बैंक में आपने आवेदन नहीं करना, क्योंकि उनके नॉर्म्स जो हैं थोड़े टफ होते हैं और उनके पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो भी कम होता है, तो कोशिश करें कि वहाँ पर आवेदन ना करें। NBFC कंपनी में आपको आवेदन करना है, वो कौन सी NBFC कंपनी? दोस्तों भारत में बहुत सारी NBFC कंपनी हैं जो बिना किसी इनकम प्रूफ के आपको लैप लोन, यानी कि मोर्टगेज लोन, जो आप अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लेते हैं, वो देती हैं। उनका थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बैंकों के मुकाबले अधिक होता है, 2-2.5% का गैप होता है। प्रोसेसिंग फीस वगैरह सब चीज़ों में थोड़ी सी उसमें कह सकता हूँ कि महंगा है, नो डाउट, लेकिन आपको बिना किसी इनकम प्रूफ के अगर आपको अर्जेंट लोन चाहिए प्रॉपर्टी अगेंस्ट, तो ये NBFC कंपनी प्रोवाइड करेंगी। वो कौन सी NBFC कंपनी है वो भी आपको मैं मेंशन करूँगा, आप उस बारे में मुझे कमेंट्स करें, आप किस सिटी से या स्टेट से, वहाँ पर कौन सी NBFC आपके लिए जो लोन प्रोवाइड आपको करवा सकती है वो, उसके बारे में मैं आपको मेंशन करूँगा। या इस वीडियो से रिलेटेड या इस क्वेश्चन से संबंधित अगर आपके कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट्स करें, उसके बारे में आपको रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।